दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक अगले महीने से चल सकती है छोटी दूरी की ट्रेनें, जानिए आपको कब और कितना देना होगा किराया। वही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पात्र न पाए जाने पर लौटाने होंगे 6,000 रुपए, जानिए कौन कौन लोग नहीं ले सकते हैं इस योजना का लाभ। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों एनपीएस के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए सरकार ने क्यों किया है ये फैसला। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों अयोध्या का विवादित ढांचा गिराए जाने की, सभी आरोपी हुए बरी, जानिए क्या कहा, जानिए क्या बोला कोर्ट। वहीं दोस्तों जानेंगे व्हाट्सएप भी खाली करा सकता है आपका बैंक अकाउंट, एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अगस्त तक हर 15 में से एक व्यक्ति था कोरोना संक्रमित। साथ ही दोस्तों बीपीएल परिवार की लड़की की शादी के लिए मोदी सरकार बालिका पालन योजना के तहत 50,000 रुपए की देगी सहायता, जानिए क्या है इसकी सच्चाई। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में बताएंगे, इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अगले महीने से चल सकती है छोटी दूरी की ट्रेनें, जानिए आपको कब और कितना देना होगा किराया। जी दोस्तों अगले महीने से कुछ और ट्रेनों के बढ़ने से यात्रा आसान होगी, लेकिन जेब भी ढीली करनी होगी। देश के प्रमुख स्टेशनों पर स्टेशन विकास के लिए उपयोग शुल्क लगाने की तैयारी कर ली गई है। विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को अलग अलग शुल्क चुकाना होगा, इसके लिए 10 रुपए में से 25 रुपए के बीच होने की संभावना है। इस बीच रेलवे छोटी दूरी से कुछ ट्रेनें शुरू करने की तैयारी में है जो विभिन्न रेलवे जोनों के बीच चलेगी। भारतीय रेल में सार्वजनिक और निजी भागीदारी से प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें धीरे धीरे स्टेशनों की संख्या बढ़ेगी। बीते दिनों रेल बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव ने कहा था कि देश में 7,000 रेलवे स्टेशन है और 10 से 15% स्टेशनों पर उपयोग शुल्क लगाया जाएगा। इस तरह से ये संख्या 700 से 1,000 स्टेशनों के बीच होगी। हालांकि इन सभी का विकास अभी शुरू नहीं होगा, लेकिन उपयोग शुल्क लगेगा। सूत्रों के अनुसार रेलवे इसे 10 से 35 रुपए के बीच रख सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के रवैये के चलते मुंबई या पठानकोट आतंकी हमलों में अभी तक नहीं मिला इंसाफ, भारत का बयान। जी दोस्तों भारत ने कहा कि पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये और सहयोग न करने के कारण 2008 में मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकी हमलों के पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। आतंकवाद से पीड़ित लोगों के मित्र समूह की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि ऐसे अपराधों में न्याय पाने के अधिकार से पीड़ित कहीं वंचित न हो जाए, उनकी मदद करनी होगी। विश्व समुदाय को आतंकी पीड़ितों के अधिकारों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। वहीं विदेश मंत्रालय के सचिव ने विश्व बिरादरी से भी आतंकी पीड़ितों की मदद की अपील। विदेश मंत्रालय के सचिव ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि 2008 में मुंबई आतंकी हमले और 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम किसान निधि के तहत पात्र न पाए जाने पर लौटाने होंगे 6,000 रुपए, जानिए कौन लोग नहीं ले सकते इस योजना का लाभ। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट जो खेती भी करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स देने वाले और 10,000 रुपए से अधिक पेंशन पाने वालों को किसानों को भी लाभ से बाहर रखा जाएगा। अगर किसी टैक्स पेयर्स ने स्कीम को 2 किस्तों में लिया है तो तीसरी बार में पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन हो रहा है। इतना ही नहीं, सांसद, विधायक, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी करते हैं। अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया तो पैसे नहीं आएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर श्रेणी, समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर केंद्रीय राज्य सरकार में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में मुकेश अंबानी ने हर घंटे कमाए 90 करोड़ रुपए, जानिए कितनी है संपत्ति। जी दोस्तों कोरोना से जहां एक और आर्थिक गतिविधियां ठप रही है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद प्रति घंटे 90 करोड़ रुपए की कमाई की है। हुरुन इंडिया रिस्क लिस्ट 2020 में अंबानी लगातार 9वें साल शीर्ष पर काबिज है। रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल आय 6,58,400 करोड़ रुपए है। पिछले 9 सालों में अंबानी की निजी संपत्ति 2,77,700 करोड़ रुपए बढ़ी है।
अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पिछले एक साल में उनकी कुल संपत्ति में 73% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीपीएल परिवार की लड़की की शादी के लिए मोदी सरकार बालिका पालन योजना के तहत 50,000 रुपए की देगी सहायता। जानिए क्या है सच्चाई। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक वेबसाइट ने दावा किया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले यानी बीपीएल परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हालांकि सरकार ने मंगलवार को इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, ये स्पष्ट करते हुए कि इस तरह की कार्य योजना शुरू नहीं की गई है। वायरल पोस्ट के अनुसार केंद्र सरकार बीपीएल श्रेणी के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए प्रधानमंत्री बालिका पालन योजना के तहत 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एनपीएस के नियमों में हुआ बदलाव, जानिए सरकार ने क्यों लिया यह फैसला। जी दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में सरकार ने करोड़ों अंशधारकों की सुविधा के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। पेंशन फंड रेगुलेटर PRDA ने एक सर्कुलर जारी कर नॉमिनी में बदलाव के लिए ई साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की है। इसके साथ ही एक मुफ्त पैसा विड्रॉल और दोबारा से खाते खोलने की सहूलियत भी दी है। बता दें कि NPS एक पेंशन से निवेश योजना है जिसे भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया है। इससे पहले NPS के सब्सक्राइबर्स जो अपने स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या यानी PRAN में अपना नॉमिनी बदलना चाहते हैं, उन्हें संबंधित नोडल अधिकारियों कॉर्पोरेट्स या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POP के पास फिजिकली S2 फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अब फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि NPS सरकार की एक पेंशन योजना है जिसका लाभ कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा, अगस्त तक हर 15 में से एक व्यक्ति था कोरोना संक्रमित। जी दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोरोना की स्थिति पर जानकारियां दी है। वहीं ICMR की ओर से दूसरे सीरो सर्वे से ये पता चला है कि अगस्त तक 10 साल से अधिक की आयु के हर 15 में से एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भूषण ने कहा कि सीरो सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि देश की एक बड़ी आबादी अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में है। देश भर में अब तक 7,70,00,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अयोध्या का विवादित ढांचा गिराए जाने की सभी आरोपी बरी, जानिए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों, बाबरी विध्वंस मामले में 28 साल बाद CBI की विशेष कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। SK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। जज SK यादव ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा कि यह पूर्व नियोजित घटनाक्रम नहीं था, यानी आरोपियों ने पहले से इसकी साजिश नहीं की। वहीं अशोक सिंघल के बारे में जज ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो तस्वीरें पेश की गई उन्हें साक्षी नहीं माना जा सकता। लखनऊ में हुई सुनवाई में 26 आरोपी मौजूद रहे, हालांकि आडवाणी, जोशी, उमा भारती को कोरोना महामारी देखते हुए छूट दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले को CBI की विशेष जज SK यादव ने सुनाया है, जिनके कार्यकाल का यह अंतिम फैसला है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। व्हाट्सएप भी खाली करा सकता है आपका बैंक अकाउंट, SBI ने करोड़ों ग्राहकों को जारी किया अलर्ट। जी दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को व्हाट्सएप फ्रॉड से लेकर अलर्ट जारी किया है। SBI ने कहा कि साइबर क्रिमिनल अब फर्जी व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के जरिए ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। इसके जरिए वो लोगों का बैंक अकाउंट खाली करा रहे हैं। SBI के मुताबिक व्हाट्सएप पर एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट यानी बैंक खाते में सेंध लगा सकती है। दरअसल साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर कॉल या फिर मैसेज करके आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा सकते हैं। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में SBI ने व्हाट्सएप स्कैम के बारे में डिटेल्स शेयर की है। SBI ने चेतावनी दी कि साइबर क्रिमिनल्स व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए ग्राहकों को अप्रोच कर रहे हैं। ये फ्रॉड ग्राहकों से किसी लॉटरी या प्राइज जीतने की बात कहते हैं। इसके बाद वे ग्राहकों से एक फर्जी SBI नंबर पर कॉल करने को कहते हैं। ये साइबर ठग ग्राहकों से कहते हैं कि अवार्ड के पैसे पाने के लिए बैंक डिटेल्स शेयर करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में मदद कर जीता लोगों का दिल, अब मिला सोनू सूद को ये खास सम्मान। जी दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने से लेकर लोगों को नौकरी देने तक, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और इलाज करवाने से लेकर सोनू सूद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि लोगों के दिलों में आज उनके लिए खास जगह है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए अब उन्हें यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मानसून की वापसी से देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जी दोस्तों, देश के कई राज्यों में मानसून की वापसी हो गई है। इसी बीच आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, पूर्व उत्तर भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में बारिश की संभावना जताई गई है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और राजस्थान में मानसून 2020 की वापसी शुरू हो चुकी है। राजस्थान के ऊपर विपरीत चक्रवाती सिस्टम बन चुका है जो मानसून की वापसी का संकेत है। देश में 80% हिस्सों में पहले ही बारिश कम हो चुकी है। पूर्वी भारत पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब उत्तर पूर्वी बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के ऊपर बना हुआ है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।